हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसी सी एफ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, मैं पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड अभी मेरे पास 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है। एंड सो 25 क्वेश्चन अगर मेरा मुझे लाइक मिला, उतना आपका प्रशंसा मिला, तो 25 क्वेश्चन मैं डालूंगा, नहीं तो वो बाद में मैं डालूंगा, लास्ट सेशन में, मीन्स टायर वन खत्म होने के बाद, टायर टू खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन में डालूंगा। ओके, मीन्स 21st के बाद, या फिर जब टायर टू खत्म हो जाएगा 21st के बाद। ओके, तो ठीक है, मेरे पास उतना क्वेश्चन अवेलेबल है एंड मुझे श्योर है कि और 10 to 12 क्वेश्चन मेरे पास 10 शाम का तक आ जाएंगे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट अभी, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो एग्जाम में बैठे हैं, वो भी वो दे देंगे मुझे आके। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई। तो 25 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था और 15 क्वेश्चन मेरे पास है और 10 क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न एक्चुअली क्या था। जो एक्चुअली दे रहे हैं वो ऐसा नहीं था। एंड मैं आपको डिटेल यहाँ पे सच जो सच एग्जाम में क्वालिटी क्या आया था, जो जो एग्जाम दे के आए हैं उनके, जो मेरा दोस्त है वो मुझे क्या बोले एग्जाम के लिए, वो डिटेल यहाँ पे एनालिसिस लिखा हूँ, वो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, टॉपिक वाइज सेक्शन करेंगे। देखिए, हम देख लेंगे क्या है। देखिए, अलजेब्रा आपका जो क्वेश्चन आया था आपका बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मीन्स जो जैसे बोल रहे हैं बहुत सारे चैनल, इतना डिफिकल्ट भाई डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेटिव था। एंड थोड़ा आपका वहाँ पे दिमाग लगाना था। अगर आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं करेगा, आप अलजेब्रा क्रैक नहीं कर पाएंगे। ओके, थोड़ा दिमाग वहाँ पे काम करना। इसलिए अभी जो मेरे पास अलजेब्रा का 3 क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चंस, उसको मैं सॉल्व करूँगा, चिंता मत कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन कितना इजी था। इजी मीन्स जिनका प्रैक्टिस मजबूत है, पकड़ है, जो पहले अलजेब्रा क्वेश्चन 20 सेकेंड 15 सेकेंड में करते थे, वो उस क्वेश्चन को 50 सेकेंड में करेंगे, या फिर 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट लगेगा, एंड 1 मिनट या फिर 50 सेकेंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अलजेब्रा क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए, 5 to 6 क्वेश्चन था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ट्रिगोनोमेट्री इतना आसान नहीं था। आप जैसे बोलेंगे एक क्वेश्चन आपका आसान था, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एंड और जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मीन्स आपका क्या हुआ ना, आपका रिपीटेशन 4 to 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का 5 to 6 मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। एंड हाइट एंड डिस्टेंस 2 to 3 बहुत डिफिकल्ट था। जैसे एक बेलून का क्वेश्चन था, बेलून का क्वेश्चन था, अगर बेलून का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बट बेलून का क्वेश्चन 10 सेकंड में आप आंसर करेंगे, जो क्वेश्चन आया था वो मैं अपलोड करूंगा, 10 सेकंड का लगेगा वो क्वेश्चन आपको करने के लिए, लेकिन जो पहले नहीं किए होंगे उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का। लेकिन और जो 2 क्वेश्चन आया था बहुत ही डिफिकल्ट आया था, बहुत ही डिफिकल्ट आया था। ओके, तो उसको छोड़ दीजिए। टाइम स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस 5 to 4 to 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन आप कर सकते हैं उसके इक्वेंडुइट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस से 5 to 6 क्वेश्चन आया था। ओके, डी जर्नी शॉपकीपर का एक क्वेश्चन आया था, 5 to 6 क्वेश्चन आया था, मॉडरेट लेवल का था, बट यू कैन इजीली डू इट। ओके, एवरेज 3 to 5 क्वेश्चन इनिंग्स बेस्ड आया था। ओके, इनिंग्स बेस्ड, जैसे फोर्थ इनिंग्स पे इतना हुआ, लास्ट इनिंग्स पे इतना स्कोर किया, एज बेस्ड आया था एक। एंड 1 क्वेश्चन वाज गिवन, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल 65, वेयर ए बी लेस देन 15, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ओके, तो इस क्वेश्चन आने वाला है, जब आएगा मैं बता दूंगा। तो इनिंग्स बेस्ड, एज बेस्ड आया था एक अलजेब्रा का, एक एज बेस्ड आया था एवरेज का, बहुत ईजी क्वेश्चन था एवरेज का, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, एंड मॉडरेट था, बट मॉडरेट मीन्स इतना डिफिकल्ट नहीं था, आप कर सकते थे। ओके, एंड 1 क्वेश्चन वाज गिवन, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल 16, वेयर ए बी लेस देन 15, ए बी आपका ईजी क्वेश्चन था, इसमें आप करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का 1 to 2 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आया था, डिफिकल्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया था आप कर सकते थे पार्टनरशिप, बट जो लैंग्वेज था वो आपको, क्वेश्चन जो लैंग्वेज समझने में वो डिफिकल्ट आपको होगा। एक क्वेश्चन मेरे पास है पार्टनरशिप का, वो मैं अपलोड करूंगा जब भी आपका लाइक मुझे मिलेगा उतना। ओके, मेंस्ट्रुएशन 7 to 8 एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मेंस्ट्रुएशन बहुत ही डिफिकल्ट आया था एंड आपका कैलकुलेटिव था। एंड 3 क्वेश्चन मेरे पास है एंड उस क्वेश्चन का आप कैसे ट्रिक से करेंगे, मैं आप, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना मिला के, इसलिए मैं उसको अपलोड करूंगा, अगर कमेंट में आपको मिला नहीं तो ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी। ओके, 3 to 4 क्वेश्चन मेरे पास आया है, 3 to या 4 क्वेश्चन ऐसा ही होगा, मैं अभी लिख के रखा हूँ, वो देखा नहीं, 3 to 4 क्वेश्चन होगा। ओके, तो 3 to 4 क्वेश्चन होगा, तो 7 to 8 क्वेश्चन आया था डिफरेंट मेंशुरेशन, तो बट 3 to 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था। सिर्फ आपको पाई में एंड कुछ एक्स्ट्रा में डिफिकल्ट आएगा होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव था। अगर आपको कैलकुलेटिव नहीं करना है, मेरा ट्रिक देखेंगे, 5 सेकंड के, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल के आ जाएंगे। लेकिन जो बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट था, अगर मेरे वीडियो देखने के बाद अगर उसको डिफिकल्ट लगा, मैं चैनल बंद कर दूंगा। नेक्स्ट,
सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट नहीं था, इजी था, यहाँ पे मॉडरेट नहीं था, इजी था। ज्योमेट्री आपका डिफिकल्ट था, ज्योमेट्री आपका डिफिकल्ट था, दो क्वेश्चन में कर चुका हूँ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो देखते हैं अगर शाम तक आएंगे तो इसको मैं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट था, कैलकुलेटिव डिफिकल्ट था, आपका दिमाग, आपका जो रूल, आपका कहाँ पे आपका आइडेंटिटी लगेगा वो आपका लगाना था। ठीक है, डाटा इंप्यूटेशन क्या मॉडरेट था एंड कैलकुलेटिव था, बेस्ड ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर, बेस्ड ऑन ऑनलाइन पेपर, कुछ ऑनलाइन पेपर था, यहाँ पे एक टेबल था ऑफलाइन पेपर का था, कुछ परसेंटेज ऐसे दिया था एंड वो बहुत कैलकुलेटिव था। एंड हर बार ऐसे ऐसा ही करता है, आपका जो डी आई पोर्सन वो कैलकुलेटिव देता है। रेशियो प्रोफेशन ईजी था बट टाइम कंज्यूम था, रेशियो प्रोफेशन 5 to 4 क्वेश्चन ईजी था बट टाइम कंज्यूम नहीं था, बट आपके लिए कर सकते हैं। नंबर सिस्टम 4 to 5 नंबर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, डिमांड एयर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आया था। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड वर्क सबसे इजी सेशन था, परसेंटेज सबसे इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीकेशन 2 to 3 डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, इसको मॉडरेट बोले, मॉडरेट बोले। मिसलेनियस 50 to 20 क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था। ओके, तो ओवरऑल क्वेश्चन आपका मॉडरेट होगा, ओवरऑल सेशन आपका मॉडरेट था। वट आर द गुड अटेम्प्ट, दिस सिंस द लेवल ऑफ द एग्जाम आर डिफिकल्ट, 72 to 72 विल बी कंसिडर्ड एज गुड अटेम्प्ट, बट 72 ने नहीं बच्चे 81 भी करके आए हैं। ओके, 81 आपका 81 से 82 करेंगे तो 81, 82, ओके 81, 82 करेंगे तो भी आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा अगर वो SSC को पे डिकेट करता है। ओके, बट अगर यू कैन गेट ए गुड लीड इफ यू आर एबल टू स्कोर 140 पर इन दिस सेक्शन, अगर आप 160 रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही महान, जो वन पहले जो 190 रखते थे 160 का मुकाबला हो जाएगा। 160 बहुत ही अच्छा स्कोर है इस पेपर में, बहुत ही अच्छा स्कोर है 160, सिंस द लेवल ऑफ द एग्जाम वाज डिफिकल्ट। ओके, ऐसा क्यों हुआ, इसका इम्पैक्ट आया टायर वन से। ओके, टायर वन के लिए ऐसा ही हुआ है सब। ओके, बट ठीक है, लेवल अगर 160 रखते हैं तो आपको अच्छा जॉब गारंटी आपका हाथ मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि 160 रखेंगे नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन में 160 मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एनफ। टिप्स फॉर द कैंडिडेट्स हु आर येट टू बी अपीयर, ओके हु आर येट टू अपीयर फॉर द एग्जाम, ओके ऑल द कैंडिडेट्स हु आर येट टू अपीयर फॉर द एग्जाम, आई रिक्वेस्ट टू रीड दिस एनालिसिस थॉरली एज इट विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन SSC फार्मिंग, मैं जो बताया इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए एंड मैं क्वेश्चन जितना भी मेरे पास है वो सब डिस्कस करूंगा। मेंटेन एक्यूरेसी इन द एग्जाम, ओके अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए, गेस मत मारिए, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, 95 से 100% एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए एंड डू नॉट स्पेंड मोस्ट टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत कीजिए, स्टे कॉन्फिडेंट यू विल क्रैक द एग्जाम। ओके, कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम आपको क्रैक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड मैं आपको बोला लाइक एंड कमेंट करेंगे, क्वेश्चन में अपलोड करता जाऊँगा, जितना भी एक्चुअल क्वेश्चन है मेरे पास जो आपके आया, अगर शाम तक कुछ आया जो मेरा दोस्त एग्जाम दे के आएंगे तो मैं आपको और भी क्वेश्चन जितना 30 to 40 क्वेश्चन मिल जाएगा वो मैं आपको कवर करता दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।